दिल्ली से मेरठ का सफ़र अब होगा आसान, चलिए जानते हैं कैसे। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र तय करना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस दौरान आम लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आम लोगों की समस्या को हल करने के लिए दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट को 3 फेज में पूरा किया है, जिसमें पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी रैपिड रेल के जरिए पूरी की जाएगी। इस रैपिड रेल की वजह से दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र चंद मिनटों में पूरा हो जाएगा। इसमें यात्रियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे रैपिड रेल में इंटीग्रेटेड AC सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल USB चार्जर और डायनेमिक रूट मैप जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, जबकि यात्री अपनी सुविधा अनुसार ट्रेन की सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस रेलवे रूट में 24 स्टेशन बनाए जाएंगे और इन स्टेशनों में 30 रैपिड ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रेन में रोज़ाना 8 लाख यात्री सफ़र कर सकती हैं। इस कॉरिडोर परियोजना के तहत पहले फेज को जल्द ही आम यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा, जबकि दूसरा फेज साल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, इस परियोजना को लेकर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।